गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे। जब से मैं स्कूल जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए, तब से मेरा दिन जो है वो सुबह 5:30 बजे तो ज़रूर शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद मुझे टेंशन होती है कि कहीं मैं स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊँ। और आपको पता है मुझे लेट पहुँचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज हमारा स्कूल में लास्ट डे था, और ये बात ना हमें आज शाम में पता चली, रात को। मतलब जब तक हम स्कूल में थे तब तक हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि आज हमारा स्कूल में लास्ट डे है। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता था कि 13 तारीख के बाद हमें कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाना होगा। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें एकदम एंड टाइम पर डिसाइड हो रही हैं। मतलब अगर आपको कल जाना है तो आज रात में पता चलेगा कि आपको कल कहाँ जाना है। तो इस तरह का सिस्टम अभी चल रहा है कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। पर कोई बात नहीं, मुझे एक बात की संतुष्टि रहती है कि कम से कम मतलब हमारे स्टेट में कुछ हो तो रहा है। अदर स्टेट का अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर चीज़ें बहुत स्लो हैं। मैं जब स्कूल में थी ना, तो मतलब बहुत सारे बच्चे आज मुझे आकर कह रहे थे कि मैम, हम भगवान से मांग रहे हैं कि आपको यही स्कूल मिले, हमारा स्कूल। तो पता है इतना अच्छा फील होता है जब स्टूडेंट्स आपको इतना प्यार करेंगे। वो कह रहे थे कि मैम, आप कम दिनों के लिए आएँ लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा गई। तो मेरा इंटेंशन ये था ना कि भले ही मैं 10 दिन के लिए ही पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन 10 दिनों में ही मुझे कुछ ना कुछ बच्चों को सिखा देना है। जैसे क्लास 3 के जो बच्चे थे उनको ABCD स्मॉल वाला नहीं आता था, सोचिए, और इंग्लिश रीडिंग भी नहीं आता था। तो मेरा तो टारगेट ये था कि मैं उनको इंग्लिश रीडिंग सिखा दूँ और स्मॉल ABCD भी सिखा दूँ, साथ में टाइम देखने भी सिखा दूँ। उनको घड़ी भी देखना नहीं आता था, तो एक चीज़ तो मैंने सिखा दिया उनको, उनको टाइम देखना सिखा दिया। दूसरी चीज़ मैंने उनको स्मॉल ABCD सिखा दी, ए साउंड वर्ड्स तक उनको सिखाया, तो वो 3 लेटर वर्ड्स जो है वो रीड कर पा रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको पता है जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे ना, तो वो आपको एकदम बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है लाइफ में। लाइक देखिए, हस्बैंड का प्यार भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आप फैमिली से बाहर निकलकर बाहर के लोगों के लिए कुछ करते हो, वो आपको सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोले, सेल्फ सेटिस्फैक्शन देगा। आपको लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर वो पावर है कि मैं किसी के लाइफ में कुछ चेंज ला सकती हूँ। और जब आप वो चेंज लाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे पता है एक स्टूडेंट है, उसका नाम सौरभ है, तो वो हर दिन बहुत डल रहता है, मतलब पढ़ाई में उनका बिल्कुल ही मन नहीं करता था। तो उसको मैंने पूछा कि क्यों नहीं पढ़ते हो बच्चे, तो वो कुछ कुछ अपना फाइनेंशियल कंडीशन बताया उन्होंने। तो मैंने क्या किया ना कि उस बच्चे को एक पेंसिल, एक शार्पनर और एक इरेज़र, तीनों न्यू खरीद कर दिया। और उसके बाद क्या कहूँ, उसके पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गई, मतलब हर चीज़ को सबसे पहले लिख कर दिखाएगा, हर चीज़ को बहुत जल्दी से समझ लेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट ना, टीचर को जगाना पड़ता है, ज़बरदस्ती जगाना पड़ता है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आपको बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे कि कैसे इस बच्चे के अंदर सीखने की भावना जाग जाए। तो वो एक चीज़ मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि काश मैं उसी स्कूल में होती तो इस बच्चे को भी बहुत कुछ सिखा देती। तो ऐसा भी आपको होगा कि किसी किसी बच्चे से एकदम पर्सनल कनेक्शन फील होगा, और आप जानबूझकर चाहेंगे कि उस बच्चे के साथ अच्छा हो, और आपको लगेगा कि वो बहुत आगे तक जाए। अगर मैं क्लास 7 के बच्चों की बात करूँ तो उनको मैंने ये सिखा दिया है कि जो साइन रूल होता है ना, कि प्लस माइनस माइनस है, और सिंप्लीफिकेशन अगर लंबा लंबा रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्लास 7 के बच्चों को ये एक चीज़ सिखाया है मैंने। क्लास 5 के बच्चों को तो मैंने कौन पढ़ाया है, क्लास 8 के बच्चों को 2 चैप्टर मैंने साइंस में, 1 चैप्टर और 1 चैप्टर मैथ से पढ़ाया है। साइंस में मैंने उनको पदार्थ पढ़ाया था, और मैथ में मैंने उनको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पढ़ाया था। क्लास 7 के बच्चों को मैंने प्रकाश चैप्टर पढ़ाया है, और वो सब मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं पढ़ने के लिए। इवन आज सुबह सुबह एक बच्चे ने मैसेज भी किया है कि मैम, आप आज स्कूल आ रही हैं कि नहीं। तो मैंने उनको कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन हाँ, एक दिन आप सबसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और मुझे ऐसा लगा ना कि ओ माय गॉड, जितना रिस्पेक्ट हम अपने टीचर्स की करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट आज मुझे इन सब बच्चों से मिल रहा है। आप खुद सोचिए कि जब हमें हमारे स्कूल वाले टीचर मिल जाते हैं तो हमारा मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है, लगता है कि ओ माय गॉड, कितने दिन के बाद मिल गए। वो एक्सपीरियंस ना आपको, या वो फीलिंग आपको कॉलेज के टीचर्स से नहीं आएगी, क्योंकि कॉलेज के टीचर्स मतलब हमें भूल भी जाते हैं, लेकिन स्कूल के टीचर्स की बात अलग होती है। वो ना सबका नाम भी याद रखते हैं, सेशन भी याद रखते हैं, और क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है।
अभी मेरे काम का दायरा ना बढ़ गया है। अभी स्कूल जाने के बाद समझ आता है, एक्सपीरियंस मेरा बढ़ रहा है कि हाँ इस तरह के लोग भी हैं सोसाइटी में जिनको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर आप घर में रहेंगे हमेशा, जैसे अगर मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ होती तो सोचिए कि मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे बढ़ता। तो मुझे तो यही लगता कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, बर्तन धोना पड़ रहा है, बस यही ज़िंदगी है। दो लोग मुझे ताना मार रहे हैं, बस यही ज़िंदगी हो जाती है लड़कियों की। लेकिन आपको पता है इस चीज़ से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है जिसे हमें देखना बहुत ज़रूरी है। हम घर में कैद होकर ज़िंदगी भर नहीं रह सकते हैं। देखिए, आप शॉपिंग पे जाते हैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन जिस दिन आप दूसरों की खुशी के लिए काम करना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा कि सबसे बड़ा आनंद ज़िंदगी का यही है। आपको 10 ड्रेस खरीद के उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना 10 लोगों की ज़िंदगी बदल के मिलेगी। तो टीचिंग प्रोफेशन को ना, मतलब इसीलिए मैं बेस्ट मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर है ग्राउंड लेवल पर कि हम किसी की थिंकिंग चेंज कर सकते हैं, किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे देखिए, मैं काम भी करती हूँ घर के, और फिर मैं स्कूल भी जाती हूँ, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती भी हूँ। तो जिन लड़कियों को ये लगता है कि हाउसवाइफ हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत दुखदाई है और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर रोड पे देखेंगे ना किसी को सब्ज़ी बेचते किसी भी औरत को, या कोई औरत अगर पार्लर चलाती है, कोई औरत कोई दूसरा काम करती है, समोसा बेचती है, कुछ भी करती है, या फिर अपने हस्बैंड के साथ काम करती है, या कोई प्रोफेशन में, वो सब घर का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती हैं, तो वो घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम भी करती हैं। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आपको घर का काम करना ज़रूरी है। आप अपने लिए मेड रख लीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार जो करना है करिए, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि घर के काम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अपना करियर दांव पे लगा दें। अपने करियर को पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और घर के काम क्या है, घर के काम तो आप जॉब करने के बाद भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम को करने में आप पूरा दिन लगाते थे ना, वो काम आप देखिएगा जॉब करने लगेंगे ना 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। उस काम की वैल्यू ही केवल 2 घंटे की होती है, और उसी की वजह से हम पूरा दिन रोते रहते हैं कि हम इतना काम है उतना काम है। अच्छा, बहुत लोगों को मैंने ये देखा है कहते हुए कि जो लड़की जॉब पर होती है उसके बच्चे जो है वो संस्कारी नहीं होते हैं, या फिर उनको संस्कार अच्छा नहीं मिल पाता है, माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके माँ बाप घर पे रहते हैं लेकिन फिर भी वो बिगड़े हुए हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके माँ बाप दोनों जॉब में होते हैं लेकिन उनके अंदर संस्कार बहुत अच्छा होता है। तो ये कोई मतलब रूल नहीं है कि जिसकी मम्मी काम कर रही है उसके बच्चे बिगड़ जाएंगे। आप खुद सोचिए, आपकी कोई बेटी होगी अगर, आप उसको बचपन से बहुत अच्छे संस्कार देंगे, संस्कार देके पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे, और बाद में वो कहेगी कि मम्मी मुझे जॉब नहीं करनी है, आपने मुझे बहुत कोशिश करी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने की, लेकिन अभी मुझे अपना सिर्फ बच्चा पालना, उसको केवल संस्कार देने, तो फिर पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है, तो फिर मत पढ़िए लिखिए, मेरा तो सीधे यही कहना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अगर लड़की काम पे जाएगी तो सास ससुर की सेवा कौन करेगा। मुझे लगता है कि क्यों ही ऐसी सोच है भाई, लड़का क्यों नहीं सोचता है कि अगर मैं काम पे जाऊँगा तो मेरे सास ससुर की सेवा कौन करेगा, लड़की क्यों हमेशा ये सोचती है। तो ये थोड़ा है कि समाज के बहुत सारे नियम को आपको तोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी कुछ लाइफ में अचीव कर पाएंगे। नहीं तो अगर समाज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कुछ भी बनना, कुछ भी अचीव करना आज के डेट में उतना आसान नहीं है। तो लीजिए, मैं रेडी हो गई हूँ अभी स्कूल जाने के लिए, और अभी दूंगी आपको एक फ्लाइंग किस, क्योंकि आप में से बहुत लोग लिखते हैं लॉट्स ऑफ लव दीदी, तो आप सबको ही मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ लव। एक हाथ का दूरी बनाओ सबको, एक हाथ का दूरी बनाओ, सारे बच्चे एक हाथ की दूरी पे खड़े रहिए। देखिए, इतना चिल्लाना पड़ता है सरकारी स्कूल में बच्चों को कुछ भी चीज़ कहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर माइक नहीं है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। आज लगभग 300 बच्चे आए हुए थे स्कूल, क्योंकि आज ना स्कूल में अंडा मिलता है, तो जिस दिन भी अंडा मिलता है स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये 2 लड़कियों को मैं डांस सिखा रही थी 26 जनवरी के लिए, ये कह रही थी कि मैम आप सिखा दीजिए, हमें सिखा दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है उसमें मैं इनको सिखा देती हूँ। ये सारे स्टेप्स ये खुद से सीख कर आई थी, मैंने इनको केवल थोड़ा थोड़ा गाइड कर दिया, और इसी में ये बहुत खुश थी और कह रही थी कि मैम आप बहुत अच्छी हो, पढ़ा भी देती हो और थोड़ा बहुत हमें
26 जनवरी के लिए भी मतलब तैयार कर दे रही हो। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो अब इतना भी मत बोलो। मैं ना मतलब मिस कर रही थी कि स्कूल में भी हम लोग ऐसी ही तैयारी करते थे और मैम के आगे पीछे लगे रहते थे कि मैम हमें कैसे भी करके डांस वगैरह सिखा दे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैं उस पोजीशन पर हूँ। और इसके बाद ना लंच हो गई थी और बीच में मैंने एक दो पीरियड लिए थे और लंच में देखिए बच्चे इतना भीड़ कर देते हैं। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और अभी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि आपको पता है जिस दिन से हमारा काउंसलिंग हुआ है उस दिन से लेकर अभी तक में मैंने प्रॉपर वैसे रेस्ट नहीं किया है। जैसे संडे को मिलता है बट संडे को बिना इतना सारा काम हो जाता है कि संडे को भी आराम नहीं रहता। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी थकान हो गई है। और अभी ना मुझे स्कूल में ही सेकेंड हाफ से हल्का हल्का फीवर हो रहा था तो कैसे कैसे करके तो मैं घर पहुंच गई हूँ। मुझे स्कूटी भी बिल्कुल चलाने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि कोई स्कूटी चला देता और मैं आराम से पीछे बैठ के आती, पर अकेले ही आना था। तो फिलहाल तो मैं घर पहुंच गई हूँ और अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी और अभी नीचे मम्मी पापा जो हैं वो आग जला करके हैं तो आग वाग सेक लूँगी और उसके बाद देखते हैं। फिर मुझे लगता है कि आज मैं बहुत रेस्ट करने वाली हूँ। अभी तो शाम के बज रहे हैं 6:15 और आप में से बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि दी आपका जो स्कूल का टाइमिंग क्या है जो आपका 6 बज जाता आने में। तो एक्चुअली स्कूल का टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। 5 बजे तक थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे, मतलब बहुत अकबक, मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं जितने बच्चे भी हैं ना वो एकदम अजीब कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने लगते हैं घर जाने के लिए। उनको लगता है कि कब वो घर भाग जाए, उनको भी ऐसा लगता है कि वो जेल में बंद हो गया। तो थोड़ा सा 5 बजे तक का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा तो है लेकिन अभी जो रूल रेगुलेशन है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो 5 बजे फिर मैं स्कूल से निकलती हूँ। तो अभी मुझे जाना होता है हिसुआ जो कि यहाँ से 22.5 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट मान लीजिए 23 किलोमीटर। तो यहाँ से मुझे 23 किलोमीटर जाना पड़ता है स्कूटी चला के और फिर बीच में जाम वगैरह भी ऐड कर लीजिए, इस वजह से मेरा कभी 1 घंटा और कभी 1.25 घंटा भी लग जाता है पहुँचने में घर। तो खैर अभी तो घर आ गई हूँ, इतनी ही राहत है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब लो एनर्जी फील हो रहा था ना, लग रहा था कब मैं जल्दी से रेस्ट करूँ। तो अभी मैं हाथ पैर धो लूँगी, फिर चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर नीचे आग सेकने जाऊँगी और मिलूँगी आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैं डिनर करके आ गई हूँ और अभी एक ऐसी न्यूज़ आई है कि मैं आपको क्या कहूँ। अभी जो नवादा वाले जितने भी बच्चे हैं उनको मुंगेर भेजा जा रहा है डाइट में ट्रेनिंग करने के लिए और जो मुंगेर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नवादा भेजा जा रहा है। 15 दिनों की ट्रेनिंग हमारी और चलेगी 15 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक। तो अभी मुझे परसों, मतलब कल तो मैं जॉइनिंग लेटर लेने जाऊँगी और परसों मुझे निकलना होगा मुंगेर के लिए और 15 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक मुझे मुंगेर में रहना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे सैटरडे को तो मैं उनसे कम से कम मिल लूँगी, 1-2 दिन रह लूँगी उनके साथ, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मुंगेर से नवादा आ रहे हैं और मैं नवादा से मुंगेर जा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये थोड़ा सा ना थकाने वाला है। मुझे लग रहा था कि नवादा डाइट में ही हमारी ट्रेनिंग हो जाती, नहीं तो फिर नवादा से नज़दीक जो ज़िला है जैसे गया, नालंदा, वो सब मिल जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन क्या कहिएगा, अभी तो एक टेंशन फील हो रहा है कि मुंगेर जाओ फिर वहाँ रहो 15 दिन फिर वापस आओ। मतलब मैं चाहती थी ना कि ठीक है काउंसलिंग हो गया उसके बाद 1 से 2 दिन की छुट्टी मिल जाती तो थोड़ा सा इंसान रिलैक्स हो जाता, बट प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है और आज तो तबीयत भी ठीक नहीं है। अब देखते हैं कल जॉइनिंग लेटर लेने के बाद मेरी तबीयत शायद ठीक हो जाए और अब मैं मिलूँगी आपसे मुंगेर में सीधे। और अभी ना मैं आपको अपना एड्रेस दिखा रही हूँ। कल मैंने आपको कहा था कि मैं पिंक वाला जैकेट जो है एक्सचेंज कर दूँगी, तो ये ड्रेस मैंने परचेस किया है, ये सूट। मैं खड़े होकर भी आपको अच्छे से दिखाती पर आपको पता है मुझे बहुत थकान हो रही है, मेरे अंदर उतना एनर्जी नहीं बचा है कि मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्माइल कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं स्माइल करना मुझे अच्छा लगता है शायद अब। और ये देखिए ये जो है ये आसमानी कलर का सूट है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है गाइस। इसको पहनने के बाद इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसके नीचे वाइट ट्राउज़र है, मतलब ट्राउज़र नहीं या फिर प्लाजो या पैंट जो भी बोल लीजिए, वाइट पैंट है इसके नीचे। और ये दुपट्टा बहुत ही प्यारा दुपट्टा, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है, देखिए इसमें थोड़ा सा शिमर है इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी जब जाऊंगी मुंगेर ट्रेनिंग के लिए तो ये जो नए नए मैंने कपड़े अपने परचेस किए ना वो सारे मैं लेकर जाने वाली हूँ। अच्छा ही हुआ कि मैंने कुछ ऐसा सिंपल सा परचेस कर लिया, अदरवाइज़ फिर मुझे पता है वही एकदम हैवी सूट लेकर जाना पड़ता।
तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाइए और फॉलो कर लीजिए। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप भी मुझे कह दीजिए टेक केयर, क्योंकि सच में अभी जब मेरे हस्बैंड होते थे ना यहाँ पे तो मेरा टेक केयर बहुत अच्छे से करते थे। मुझे कुछ भी हो जाता था तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन अभी मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि काश वो यहाँ होते तो ज़िंदगी का मज़ा कुछ और होता, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं है। बट देखिए क्या होता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि पहले कम से कम हमें एक स्कूल अलॉट हो जाए, पता चल जाए कि किस ब्लॉक में, जैसे नवादा है तो नवादा में भी 14 ब्लॉक है, तो किस ब्लॉक में हमारा मतलब स्कूल है, उनका किस ब्लॉक में स्कूल है, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि बीच में कहीं रह पाते हैं या नहीं, या फिर और कोई तरीका निकाल पाते हैं या नहीं। बट अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जैसे भी पता चलेगा मैं तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मैं हूँ एकदम टायर्ड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।